हाय गाइस, वेलकम टू फंकीनेस विद भावना। मैं हूँ भावना और ये है पौरुष, माय हस्बैंड। ये एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और इनका यूट्यूब चैनल भी है, लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, आप इनको भी सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि एक संडे टॉक करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट नीचे करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज का डिस्कशन हम करने वाले हैं कि क्या सेलिब्रिटीज़ को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स होना चाहिए या नहीं। रिसेंटली अक्षय कुमार के ऊपर काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी क्योंकि उन्होंने सो कॉल्ड ए पॉलिटिकल इंटरव्यू लिया था पीएम मोदी का, और उसके बाद वो वोट भी नहीं करने जा पाए क्योंकि उनके पास कैनेडियन सिटीजनशिप ही थी सिर्फ। तो इस बारे में हम दोनों क्या सोचते हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो पौरुष, व्हाट डू यू थिंक कि क्या सेलिब्रिटीज़ को पहले तो पॉलिटिक्स के साथ मिक्स होना चाहिए या नहीं? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलिब्रिटीज़ को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स होने में कोई भी हर्ज नहीं है। मतलब अगर कोई सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स में इंडल्ज कर रहा है या फिर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहा है, आई गेस इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो एक बेसिक चीज़ होती है कि औरों को वही शिक्षा देनी चाहिए जो आप खुद करते हो, तो आई थिंक वो सब जगह पे अप्लाई होती है प्रॉपरली। अगर मुझे लगता है कि अक्षय कुमार के यहाँ पास यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप नहीं थी, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो वोट भी नहीं कर सकते, इंडियन सिटीजन नहीं है डेफिनेटली तो वोट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनको इतनी ज़्यादा ज्ञान की और इतनी ज़्यादा इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। सेकेंडली, किसी का पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी का पॉलिटिकल हिस्सा कैंपेन का हिस्सा बन रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को कह रहे हो कि भाई इसको जाके वोट करो, और जब आप कह रहे हो कि इसको जाके वोट करो और आप खुद ही वोट नहीं कर सकते, तो आई थिंक दैट्स एन आयरनी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है जनता के साथ और आपके ऑडियंस के साथ। बट मुझे लगता है कि अलग अलग टाइप के मिक्स्ड इस पे रिएक्शंस है लोगों के, और डेफिनेटली जैसा आपने पूछा कि जितने भी एक्टर्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनको पॉलिटिक्स में रिलेट होना करना चाहिए, पॉलिटिकल चीज़ों में एक्टिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आई थिंक कि कोई भी पॉलिटिक्स में एक्टिव हो सकता है। पॉलिटिक्स इज़ समथिंग जो हमारे समाज को सुधारने के लिए, लोग अब इसको इस तरीके से देखने लगे हैं कि एक गंदी चीज़ है हमारे को, मतलब एक पॉलिटिक्स मतलब समथिंग नेगेटिव मसाला सॉर्ट ऑफ अ थिंग, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। समाज को सुधारने के लिए ये चीज़ बनी थी, और मुझे लगता है कि अगर कोई सच में ये काम करना चाहता है, जैसे फॉर दैट मैटर शत्रुघ्न सिन्हा है, शत्रुघ्न सिन्हा हैज़ डन गुड वर्क इन हिज पास्ट, उन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छी चीज़ें करी हैं, पढ़े लिखे भी बहुत हैं और टाइम टू टाइम चीज़ों के बारे में आवाज़ भी उठाई है, अपने लोगों के लिए काम भी करा है, जहाँ से वो पटना साहिब से आते हैं, जहाँ के वो MP हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा करना चाहे तो पॉलिटिक्स में आ सकता है कोई स्टार, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, लेकिन ऐसी चीज़ ना बताए कि भाई हम तो ये नहीं कर रहे लेकिन तुम जाके वोट कर कराओ, हमारे पास तो वोटर आई डी कार्ड भी नहीं है और तुम जाके इसको वोट कर कराओ, आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। रिसेंटली पीएम मोदी ने काफ़ी सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को बोला था कि प्लीज़ मेरे लिए अपील करो, तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट भी करा था जिसपे अक्षय कुमार ने भी लिख के भेजा था कि द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्टोरल प्रोसेस, वोटिंग हैज़ टू बी सुपर हिट प्रेम कथा बिटवीन द वोटर एंड द नेशन। और इतनी बड़ी बात लिखने के बाद भी वो अपनी वोटिंग के बारे में कुछ कर ही नहीं पाए। उससे भी बड़ी बात एक्चुअली ये थी कि जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर क्या आपने वोट डाला है, मुझे अभी भी याद है एक अच्छे से वो वीडियो था, किसी शायद वो पार्टी से निकल रहे थे या कहाँ से निकल रहे थे, उनसे पूछा गया, ANI के एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर आपने वोट किया या नहीं किया, तो उन्होंने उसकी सर पकड़ के और मुंडी पकड़ के उसने कहा कि ठीक है करने लगे, जैसे कि वो कोई एक कॉमेडी मूवी हाउसफुल का कोई सीक्वल बना रहे हो या उसमें एक्टिंग कर रहे हो। मुझे लगता है कि एक बहुत ही इमेच्योर एक्ट था ऑल टुगेदर इफ़ यू सी दिस, कि एक आदमी ए पॉलिटिकल इंटरव्यू लेकर आ रहा है पहले प्रधानमंत्री का, उसके बाद वोटिंग के ऊपर वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। आई थिंक दैट वाज समथिंग जहां से लोगों को, और स्पेशली मैं खुद अक्षय कुमार का एक फ़ैन रहा हूं और बहुत लंबे टाइम से रहा हूं, काफ़ी मुझे उनकी, क्योंकि जिस तरीके की उनकी फ़िज़िकल फिटनेस है, जो उनका रिजीम है, मैं डेफिनेटली उनका फ़ैन रहा हूं बहुत लंबे समय। मेरे जैसे लोग भी उनसे काफ़ी चिढ़ गए थे उस टाइम पे, और वो एक उनके लिए, मतलब वहाँ से ये सारी कंट्रोवर्सी जो थी और बड़ी बिल्डअप होनी शुरू हुई जब उन्होंने इस चीज़ को बोल दिया कि, मतलब इस चीज़ को जवाब ना देना प्रेफर करा, अगर वो जवाब दे देते तो शायद कंट्रोवर्सी होती ही नहीं, शायद वहीं पर ही सारा मैटर दब जाता, क्योंकि कितने साल हो गए, आई गेस पता नहीं कितने सालों से हम अक्षय कुमार को देख रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कभी हमने उनकी सिटीजनशिप के ऊपर सवाल खड़े करे हों, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। हालांकि बहुत सारे लोगों को पहले से पता था कि वो कैनेडियन सिटीजन है और वो पहले भी कहते थे कि ही इज़ एन ऑनररी कैनेडियन सिटीजन, उस बात को भी बस्ट कर दिया है ब्लूमबर्ग ने कि वो ऑनररी कैनेडियन सिटीजन भी नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल कैनेडियन सिटीजन है, तो ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन हाँ ये जो कंट्रोवर्सी थी बड़ी बिल्ड होके तभी सामने आई।
आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ काफ़ी कन्वीनियंटली पॉलिटिक्स को यूज़ करते हैं कभी, जब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे कि पुलवामा अटैक या फार्मर्स के प्रोटेस्ट, ऐसी चीज़ों पे, या नेचुरल कलामिटीज़, ऐसी चीज़ों पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ बोल देते हैं हमें नहीं पता, हमारा कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से। और जब सडनली पीएम मोदी सडनली सामने आते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरे लिए अपील करो, तो हर कोई ट्वीट करने लग जाता है कि वोट करें, और वोट करने के लिए भी आप पीएम मोदी को वोट करें। एक्चुअली बहुत सही बोला आपने, इस चीज़ को उठा के बहुत सही किया। एक सिलेक्टिव आउटक्राई का रास्ता लेते हैं जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जब भी उनको फ़ायदा हो रहा होता है किसी चीज़ से, किसी चीज़ पे बोलने से, तो वो उस चीज़ के बारे में डेफिनेटली बोलते हैं। लेकिन अगर उनको उस चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा होता, और ये बात हम पहले सोचते थे, पहले कहते थे, लेकिन उसके बाद कुछ लोग थे, देयर वाज अ सेक्शन जो कहने लग गया कि नहीं, उनकी अपनी लाइफ होती है, उनको अपना करने देना चाहिए, ये वो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दे हैव अ सिलेक्टिव थिंग, उनकी सिलेक्टिव थिंग यहीं पर ही है कि उनको फ़ायदा मिल रहा होता है, दे कम आउट एंड दे स्पीक, वो बोलते हैं बातों को, ऐसा नहीं कि उनकी ओपिनियन नहीं है, वो बोलते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब उनको फ़ायदा हो रहा होता है। अब मुझे समझ नहीं आता, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर कंगना रनौत के मैटर में भी ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी सारी बातें गलत लगती हैं, बट देन या आई फील कि वो तभी बोलती हैं कुछ भी चीज़ जब उनकी कोई मूवी रिलीज़ होने वाली होती है, या प्रॉब्ली वो मूवी उनको लगता है एडिटिंग के टाइम पे शायद बहुत फ्लॉप होने वाली है, बेकार मूवी एडिट हुई है, उस टाइम पे ही उनका कुछ चीज़ को लेके बाहर आती हैं और उनका एक बर्स्ट होता है सोशल मीडिया पे एकदम से चीज़ों के बारे में। आई ट्रूली रिस्पेक्ट व्हाट शी सेज, आई अग्री टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हाट शी सेज, बट देन सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। पुलवामा पे अटैक हुआ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो बहुत सारी बातें बोल दी, आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। मुझे लगता है कि अटैक के टाइम पे भी आपको बोलना ज़रूरी है। और जो लोग ये कहते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ है, दे चूज़ द स्टारडम, वो चूज़ करते हैं पहले स्टारडम को, वो उस लाइफ को चूज़ करते हैं, उसके बाद ही वो स्टार बनते हैं, एक सपना देखते हैं तभी वो स्टार बनते हैं। ऐसा नहीं कि पहले वो स्टार बनते हैं फिर वो सपना देखते हैं कि अब हमारे पास स्टारडम होगी। हर बंदा जो स्टारडम का सपना देखता है, वो सपना देखने के बाद ही उसके लिए मेहनत करता है। तो डेफिनेटली उनको भी स्टार्स को हर चीज़ पे निकल के आंसर करना चाहिए, इतना सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। और जैसे कि आपने पॉइंट उठाया, ये पॉइंट टोटली वैलिड है। लेकिन आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं चाहूँगा कि मैं भी आपसे कुछ चीज़ें पूछूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी बातें करता रहता हूँ, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मुझे ये लगता है कि बेसिकली जब मीडिया एक टॉपिक के ऊपर रूल ओवर करती है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रूल होने की ज़रूरत होती है। अब जैसे अक्षय कुमार का खुद ही नया नया टॉपिक निकलता जा रहा है, किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक पॉलिटिकल इंटरव्यू करेंगे पीएम मोदी के साथ, और उसके बाद इतनी बड़ी बात निकल आएगी कि वो कैनेडियन। मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने पिछले वोटिंग टाइम पे किसी ने क्वेश्चन भी करा हुआ कि कितने सेलिब्रिटीज़ वोट भी करते हैं, जो कि अपने आप को सो कॉल्ड रोल मॉडल समझते हैं, ये कितना वोट करते हैं या नहीं। तो मुझे लगता है कुछ टॉपिक्स हैं जिनको थोड़ा सा घसीटना चाहिए भी, क्योंकि ना जब तक वो चीज़ कम्प्लीटली दिमाग में नहीं घुस जाएगी लोगों के, तब तक वो चीज़ इम्प्रूव नहीं होगी। कुछ चीज़ें इम्प्रूव होने के लिए उनको खींचना ही पड़ता है। आप लोगों को ये भी पता चले कि हम लोग जब एक एक्टर को फॉलो करते हैं या फिर एक स्टार को फॉलो करते हैं, वी गो ब्लाइंड, वी लिटरली गो ब्लाइंड, वी डोंट सी थिंग्स जो देखनी चाहिए हमारे को। एक्चुअली व्हेन यू फॉलो समवन, तो डेफिनेटली यू शुड फॉलो गुड पर्सन, नॉट अ बैड पर्सन। डेफिनेटली किसी भी खराब व्यक्ति को फॉलो करने का मतलब है कि आप भी कहीं उसके नक्शे कदम पे कहीं ना कहीं चलने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो डेफिनेटली जब अक्षय कुमार की बात आती है और उनके ऊपर इस तरीके से जो मीडिया इस टाइम लेके शुरू हुआ हुआ है और बैठा हुआ है, उस चीज़ से आपको, ऐसी चीज़ें अच्छी हैं, सही हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों से पता चल रहा है एक नॉर्मल ऑडियंस को, जो ऑडियंस न्यूज़ ज़्यादा नहीं देखती, जो ऑडियंस ज़्यादा एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखती है या प्रॉब्ली ज़्यादा टीवी पे एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देखती है, उनको भी पता चलता है कि उनके स्टार्स एक्चुअली किस माइंडसेट को लेकर आते हैं उनके सामने, एंड व्हाट दे शो ऑन द स्क्रीन, ऑन योर स्क्रीन जो दिखता है आपकी स्क्रीन पे, असली में वो होता नहीं है। मतलब इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक्चुअली जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है ज़रूरी नहीं है कि वो दिखे ही दिखे। मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक एटीट्यूड में डिफरेंस है एक मुस्लिम एक्टर के पीछे और एक हिंदू एक्टर के पीछे। अगर यही शाहरुख खान या सलमान खान को तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो भाई है, अगर शाहरुख खान या आमिर खान की तरफ से ऐसा ओपिनियन आता या ऐसी चीज़ें होती, तो डेफिनेटली उनके ऊपर ज़्यादा टारगेट किया जाता। मुझे लगता है अनुपम खेर खुद क्वेश्चन करते हैं जब वो आज कह रहे हैं कि अक्षय कुमार को ज़रूरी नहीं है अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने की इंडिया की तरफ,
वो खुद उनकी पार्टी क्वेश्चन करती है इतने सारे मुस्लिम्स ऑल ओवर इंडिया से कि अपनी रॉयल्टी अप्रूव करो कि तुम नेशनलिस्ट नहीं हो, तुम एंटी नेशनलिस्ट हो, तुमने फलानी चीज़ बोल दी तो तुम इंडिया के ही नहीं हो, तुम पाकिस्तान के हो। तो ये डेफिनेटली डिफरेंस है ओपिनियन का, मुझे लगता है कि और काफ़ी ज़्यादा है। अक्षय कुमार एज इट इज़ एक एक्टर हैं जो काफ़ी पॉपुलर है और ऊपर से हिंदू निकले तो वो बच गए इस पूरे टारगेट से। अगर वही कोई मुस्लिम होते तो डेफिनेटली उनके ऊपर अभी तक ट्रेंड्स चल रहे होते। या सरप्राइजिंगली मैं ट्विटर भी देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले और ट्विटर पे एक भी ट्रेंड नहीं था जो अक्षय कुमार के अगेंस्ट चल रहा था। सो दैट वाज अ सरप्राइज, दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि अगर जावेद अख्तर ने कुछ बोल दिया होता या आमिर खान ने कुछ बोल दिया होता तो इनटॉलरेंस के ट्रेंड्स चल चल के अभी तक ट्विटर भर चुका होता लिटरली। ये सब चीज़ों के बाद हमारे को मुझे लगता है कि एक इस चीज़ पर भी सोचना चाहिए कि हम जब अपने एक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं तो किस लिमिट तक फॉलो कर रहे हैं, किस लिमिट तक उनकी बातों को मान रहे हैं। जैसे कि सलमान खान भी हो गए, सलमान खान को भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, इनफैक्ट हो सकता है बहुत सारे आपके चैनल पे भी उनके फॉलोअर्स हों या उनके चाहने वाले हों। लेकिन जब हम किसी भी एक्टर को फॉलो करते हैं तो किस एक्सटेंट तक फॉलो करते हैं, ये चीज़ हमारे को मुझे लगता है डिसाइड करनी चाहिए। और वो एक्टर ही नहीं, वो किसी भी इंसान को जब हम फॉलो करते हैं हमारे को सोच लेना चाहिए कि भाई कुछ चीज़ें अंधा नहीं हो जाना चाहिए। जैसे कहते हैं कि आजकल हमारे उसमें एक अंधभक्त भी कहते हैं बहुत ज़्यादा, तो अंधभक्त नहीं हो जाना चाहिए। अंधभक्त ज़रूरी नहीं है सिर्फ कोई मोदी जी का ही हो, अंधभक्त आई गेस किसी का भी हो सकता है आदमी, अक्षय कुमार का भी हो सकता है, शाहरुख खान का भी हो सकता है, ऋतिक रोशन का भी हो सकता है। ताकि ट्विंकल खन्ना के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ट्विंकल खन्ना अपना स्टैंड बिल्कुल सही लेती हैं, वो इनफैक्ट अगेंस्ट बीजेपी और पीएम मोदी के भी अगेंस्ट बोलती हैं, जिसके रिगार्ड में पीएम मोदी ने इंटरव्यू में बोला कि आपका तो सारा जो घर का गुस्सा है, आपकी जो वाइफ गुस्सा करती है वो सारा मेरे पे निकल जाता है, तो आपके तो घर में शांति बनी रहती होगी। मुझे लगता है कि अक्षय कुमार शुड हैव टेकन अ स्टैंड, और इफ ही कुडंट टेक अ स्टैंड अगेंस्ट द पीएम देन ही शुडंट हैव लाफ्ड ओवर इट। आई थिंक जब वो उनके लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो वो कंट्री के लिए क्या स्टैंड लेंगे। तो मुझे लगता है वो बड़ा इनवैलिड लगा, मुझे बड़ा इनअप्रोप्रिएट लगा कि उन्होंने रिएक्ट भी नहीं करा और उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं। और ट्विंकल खन्ना का जो रिप्लाई था पीएम मोदी के लिए, मुझे लगता है कि उससे बेटर रिप्लाई हो नहीं सकता था, वो कुछ ज़्यादा ऑफेंसिव भी नहीं बोल सकती थी पीएम मोदी को, तो इसलिए मुझे वो भी अप्रोप्रिएट लगा। आई विल गो बैक टू दिस थिंग कि ए पॉलिटिकल इंटरव्यू वापस आते हैं, और मतलब मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर अपने व्यूज़ रखो। वॉज दैट ए पॉलिटिकल इंटरव्यू कहीं से भी, क्योंकि ना उसमें मोदी जी की वाइफ के बारे में बात करेगी, सॉरी हम डिबेट होके थोड़ा मोदी जी की तरफ जा रहे हैं लेकिन बात करनी चाहिए ज़रूरी है, क्योंकि जब से अक्षय कुमार ने वो ए पॉलिटिकल इंटरव्यू लिया है उसके बाद से अक्षय कुमार इतना ज़्यादा हलचल उनके ऊपर शुरू हो गई है सोशल मीडिया पर। तो क्या वो ए पॉलिटिकल इंटरव्यू था, और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था वो ए पॉलिटिकल इंटरव्यू, क्या ऐसा था कि उसमें उसने मतलब जो ए पॉलिटिकल वो नहीं बन पाया प्रॉपर्टी। बेसिकली क्या होता है कि जब एक एक्टर या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई चीज़ को प्रमोट करता है तो वो इतनी नेचुरली करता है उस चीज़ को कि तुम्हें पता ही ना चले कि तुम प्रमोट कर रहे हो। जो ऑडियंस होती है वो उसको ऐसे देखती है कि ओ इनको ये यूज़ करने से अच्छा लग रहा है या ये इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू ऐसे लिया कि पर्सनल लाइफ में कि मोदी जी क्या करते हैं, गुस्सा कितना करते हैं, खाते क्या हैं, खाते कैसे हैं, तो उससे क्या होता है कि लोग कनेक्ट करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ में कि अरे वो भी मैंगो ऐसे खाते हैं, हम भी ऐसे ही खाते हैं, वो भी इतना ही गुस्सा करते हैं, हम भी इतना ही गुस्सा करते हैं, कि मतलब उनका जो इंटरनल जो फ्रंट फेस दिखाना चाहते थे वही उन्होंने शो करा। अक्षय कुमार के क्वेश्चंस ही इतने इररेलेवेंट और इतने स्टूपिड थे कि लोग सोचेंगे कि अरे वाह कितने इजी गोइंग और फन लविंग क्वेश्चंस थे। पता नहीं किसी ने क्वेश्चन क्यों नहीं करा कि ये कोई सवाल होते हैं पूछने के लिए पीएम से। तो वो इसलिए ए पॉलिटिकल इंटरव्यू इसलिए नहीं था क्योंकि जब भी क्योंकि ऑब्वियसली वो फ्री फंड में तो कर नहीं रहे हैं, वो हम कोई ना कोई इसमें बेनिफिट ज़रूर देख रहे होंगे, या तो उनको भी उससे फैन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट तो था ही कोई ना कोई। और डेफिनेटली मोदी की वेव इतनी स्ट्रांग है कि इन सेलिब्रिटीज़ को भी फ़र्क पड़ता है, इनकी मूवीज़ चलती हैं, इनके बिजनेसेस चलते हैं, इनको काफ़ी इंटरनल फ़ायदा मिलता है, तो इसलिए ये पीएम मोदी के साथ क्यों नहीं जुड़ेंगे। ये पॉलिटिकल ए पॉलिटिकल कोई भी टाइप के इंटरव्यूज़ या ये अपील करना वोट के लिए क्यों नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। यहाँ मीडिया को फ़ायदा हो रहा है, बिजनेसमैन को फ़ायदा हो रहा है जो उनसे जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ायदा हो रहा है जो उनसे जुड़ रही हैं, तो सेलिब्रिटीज़ को क्या नुकसान करके अच्छा करना है अपने लिए। डेफिनेटली सेलिब्रिटीज़ को फ़र्क पड़ता है और हमारी गवर्नमेंट से फ़र्क पड़ता है। जो लोग नहीं इस चीज़ से मतलब इस चीज़ को नहीं पहचानते या नहीं समझते, जो इसके बारे में नहीं जानते उनको बता देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी पोस्ट्स होती हैं जो एक्टर्स के लिए एलिजिबल, जो जिनके लिए एक्टर्स एलिजिबल होते हैं अपने करियर के ख़त्म होने के बाद भी,
जैसे कि बहुत सारे सेंसर बोर्ड के पद देख लीजिए, पोस्ट देख लीजिए, या फिर और बहुत सारी भतेर ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए एलिजिबिलिटी अपने आप बन जाती है एक्टर्स की, फिल्म स्टार्स की। तो डेफिनेटली जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनको फ़र्क पड़ता है गवर्नमेंट से, और कौन बैठा है गवर्नमेंट में, और प्रधानमंत्री से डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको बहुत सारी फिल्म्स पे टैक्स की रिबेट्स मिलती हैं, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं। सेंसरशिप सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। एन नंबर ऑफ थिंग्स जो जिसमें कि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा और प्रोमिनेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। तो कहीं ना कहीं अक्षय कुमार और ये जो पूरा गैंग बन गया है अनुपम खेर, कहीं ना कहीं ये हमारे जो आर्टिस्ट का तबका है, जो सेक्शन है, कहीं ना कहीं उसमें एक डिसहार्मनी क्रिएट कर रहा है, आपको लगता है? पीछे अनुपम खेर ने ट्वीट करा था कि काफ़ी सरप्राइजिंग है या शॉकिंग है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो पीएम मोदी को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो अपोजिशन पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्वरा भास्कर ने उसके रिप्लाई में लिखा था कि दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो एग्जैक्टली ये अब ये सोच रहे हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ ऑलरेडी जुड़ गए हैं पीएम मोदी के साथ, वो सोच रहे हैं कि हर कोई जुड़ जाए, मतलब किसी और का ओपिनियन और कोई किसी और का वोट मैटर नहीं करता। मतलब बेसिकली एक डिवाइड क्रिएट, एक फ्रैक्शन क्रिएट हो गए हैं दो यहाँ पर, और डिसहार्मनी अपने आप ही क्रिएट हो रही है। आपको क्या लगता है कि इस पूरी डिस्कशन जो हमने करी है, इससे हमारी ऑडियंस को, मेरी ऑडियंस को स्पेसिफिकली क्या ले जाना चाहिए? व्हाट दे शुड अंडरस्टैंड आउट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन जो हमने करी है? डेफिनेटली योर ऑडियंस, अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक यू शुड बिकम एन इंटरव्यूअर। आपके ऑडियंस को सबसे पहले ये लेके जाना चाहिए यहाँ से। डेफिनेटली आपके ऑडियंस को ये समझना चाहिए, जो दो तीन पॉइंट्स हमने रखे हैं और मेजर पॉइंट जो हमने रखे हैं प्रोमिनेंट, वो ये थे कि आप किसी को फॉलो कर रहे हो उसकी डिग्री आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट फॉलो एनी वन, इवन इफ़ इट्स योर ब्रदर और सिस्टर, आप उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। आप अपने भाई बहन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते यार, अपने बेस्ट फ्रेंड को, फ्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, तो आप पॉलिटिशियंस को और एक्टर्स को क्यों ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो? आई थिंक ये तो बेसिक सी चीज़ है। अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड को पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो उस आदमी को जो आपको जानता भी नहीं, आप उसको ब्लाइंडली कैसे ट्रस्ट ऑफ फेथ कर सकते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री सेट करनी पड़ेगी। सेकेंडली अक्षय कुमार का जो ये मैटर है, डेफिनेटली इसमें से कुछ कई चीज़ों का बतंगड़ बन गया, क्योंकि जब कोई चीज़ उठती है तो बतंगड़ बनता है। लेकिन जो अक्षय कुमार के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, जैसे कि मैं भी था आज तक, उनके सामने अक्षय कुमार की बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने, और कहीं ना कहीं एक डबल फेस्ड कैरेक्टर अक्षय कुमार का नज़र आया है। अब कोई आदमी अगर डबल फेस्ड है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बेचने में डबल फेस हो रहा है, तो वो डबल फेस किसी प्रोडक्ट को बेचने में भी रख सकता है, अपनी फिल्म को बेचने में रख सकता है, अपने आइडियाज़, अपने थाट्स, एक्स वाई जी चीज़ों को बेचने में रख सकता है। सो दैट इज़ अनदर थिंग। थर्ड थिंग इज़ कि डेफिनेटली जो स्टार्स होते हैं उनका फ़ायदा होता है सरकार से, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स रिलेटेड। तो ये अगली चीज़ है। और अगली चीज़ ये है कि जो भी एक्टर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे ही अपनी मर्ज़ी से किसी भी पॉलिटिशियन को फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली उन पॉलिटिशियंस को जो सरकार में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी से मैच करते हैं, लेकिन कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि भीड़ चाल में, और कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि वो ओपिनियनलेस होते हैं। तो ये चीज़ें आपके सब्सक्राइबर्स को यहाँ से लेके जानी चाहिए। एंड उससे भी बड़ी बात, अक्षय कुमार को जो भी उसका मैटर चल रहा है, ये भी नहीं कह सकता मैं जो आप यहाँ से लेके जाओगे, ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अक्षय कुमार अब हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट हो गया। ये भी आपके सब्सक्राइबर्स को यहाँ से नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये भी हमें समझना चाहिए। अगर हम समझदारी की बात कर रहे हैं, तो आगे भी हमारे को समझदारी की बात करनी ज़रूरी है, और आपके सब्सक्राइबर्स को भी बताना ज़रूरी है कि आगे भी समझदारी से चलो। अगर आज गलती करती है, तो ये नहीं है कि अगली पिक्चर देखने मत जाओ, ये भी उसका सोल्यूशन नहीं है। अगली पिक्चर देखने जाओ, उसके काम को सपोर्ट करो, उसके काम को सराहो, बट नो हिज़ रियलिटी, उसकी असलियत को भी जानो एट द सेम प्लेस। तो ये कुछ की पॉइंट्स आई गेस आपके सब्सक्राइबर्स यहाँ से लेके जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके सब्सक्राइबर्स यहाँ से लेके जाएंगे, वो है मेरे चैनल का लिंक। तुरंत जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है youtube.com/PaurushSharma, सुपर पॉलिटिकल बातें। अगर आप लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप मत आइएगा मेरे चैनल पर डेफिनेटली, क्योंकि सारी की सारी बातें पॉलिटिकल ही होती हैं। एंड बहुत अच्छा लगा बात करके, और इस चैनल पर आके भी बहुत डाइवर्स आपके भी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग इंटरेस्ट के, अलग अलग बिहेवियर्स के लोग हैं। तो उन सब से भी यहाँ पर आके, उन सब के सामने अपने थॉट्स रख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पौरुष शर्मा, आज का सेशन कुछ बहुत ही अलग हुआ, बहुत मज़ा आया। मुझे नहीं पता था कि हमारी ये सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट डिबेट इतनी अच्छी टर्नआउट होगी, और काफ़ी बीच में अनबन हो रही थी, वो मैं एडिट कर दूंगी, लेकिन बहुत अमेजिंग सेशन था।
तो मेरा ओपिनियन लास्ट में ये है कि कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी को ब्लाइंडली मत फॉलो करो. आई अग्री विद हिम कम्प्लीटली. और मुझे लगता है कि किसको वोट करो ये बहुत इंपॉर्टेंट. तो वोट उसको करो जो आपके एरिया का एमपी है. आप पहले उसके बारे में पढ़ें कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, उसका काम पीछे कैसा रहा है, या उसका ओवरऑल हिस्ट्री कैसी है, और उसी को वोट करें. ये स्पेशली मैं उन फीमेल्स को बोल रही हूँ जो समझ नहीं पाती कि किसको वोट करना है. वो ऑनलाइन जाके ढूंढ सकती हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अ मेल मेंबर और अ सेलिब्रिटी और अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. आप खुद अपना दिमाग लगा के चूज़ कर सकते हैं वोट करने का. और हाँ, मेरी कोई भी ब्यूटी या फैशन रिलेटेड वीडियोज़ मैंने कहीं ओवर नहीं करी हैं. आई विल कीप मेकिंग दैम, कीप पुटिंग दैम इन फ्रंट ऑफ यू. लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी वीडियोज़ भी हम डिस्कस करें ताकि हम और अच्छी तरह कनेक्ट कर सकें. तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक. ओके. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे भावना की हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए. अगर आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हैं तो आप लोग वहां जाके भी भावना को फॉलो कर सकते हैं. लिंक ऑलरेडी भावना डिस्क्रिप्शन में दे चुकी होगी. दोस्तों अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही. धन्यवाद.